सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, अपना देसी बैटल रॉयल गेम के बारे में। एंड इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये गेम किस इंजन में बन रहा है एंड इसका गेम प्ले किस तरीके का होने वाला है एंड कितने टाइम से ये गेम जो है वो डेवलपमेंट में है एंड इस गेम की जो लॉन्च डेट है वो कब होगी एंड सारे प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। सो अगर आप लोग चैनल में न्यू है एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ और डिफरेंट न्यूज बता सकूँ जो कि आप लोगों को इससे पहले गेम के बारे में ना पता हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गेम की डेवलपमेंट के बारे में कि इस गेम की डेवलपमेंट कब से चल रही है एंड क्या सारी चीजें हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर ये जो गेम है ये मयाम स्टूडियो डेवलप कर रही है जो कि एमपीएल की एक पैरेंट कंपनी है एंड इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं ओजस विपित। एंड उन्होंने यहां पर ये जो मयाम स्टूडियो है ये इसलिए बनाया है ताकि यहां पर जो ट्रिपल ए क्वालिटी के मोबाइल गेम्स हैं वो यहां पर प्रोड्यूस कर सकें। एंड ये उनका यहां पर फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि एक बैटल रॉयल गेम है एंड इसका नाम है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, अपना देसी बैटल रॉयल। एंड इस गेम की यहां पर जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई थी यहां पर पिछले साल मार्च मंथ के अराउंड एंड इसके पहले से इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सोच लिया गया था। वैसे आप लोग रोग ईस्ट के बारे में भी जानते होंगे एंड उसमें भी बैटल रॉयल मोड आना था एंड लाइफ लाइक स्टूडियो ने उसके ऊपर वर्क करना बंद कर दिया था एंड उसके बाद यहां पर जो है कंपनी ने पूरी तरह से फोकस करा है मयाम स्टूडियो पे। सो इस गेम की जो डेवलपमेंट है वो अराउंड एक साल पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी एंड ये जो गेम है ये बन रहा है अनरियल इंजन पे। सो ग्राफिक्स यहां पर टॉप नॉच लेवल के होने ही वाले हैं एंड यहां पर भी रिसेंट इंटरव्यू में इनके सीईओ ने भी बताया है कि गेम के जो ग्राफिक्स होंगे वो काफी अच्छे होंगे। सो अब बात कर लेते हैं यहां पर हम लोग गेम के गेम प्ले के बारे में एंड स्टोरी के बारे में। सो यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता है कि यहाँ पर ये जो गेम है ये एक बैटल रॉयल गेम होने वाला है एंड यहाँ पर इस गेम के सीईओ ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये भी बताया था कि यहाँ पर ये जो गेम है एंड इसकी स्टोरी जो है वो गोल माइन के टू गैंगस्टर के बीच में है एंड टीजर में भी हम लोग देख सकते हैं दो गैंग्स हैं जो कि यहाँ पर आपस में लड़ने जा रही हैं। सो यहाँ पर गेम जो है वो अभी ओवरऑल काफी सही लग रहा है एंड स्टोरी भी यहाँ पर जो है पूरा इंडियन कल्चर पे बेस्ड रहने वाली है एंड उन्होंने ये भी बताया है कि गेम की जो लोकेशन है वो पूरा इंडिया पे ही सेट होगी एंड आप लोगों को पूरा इंडियन एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा गेम के अंदर। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ सिनेमैटिक टीजर ही देखा है सो हम लोग ज्यादा गेम प्ले के बारे में तो पता नहीं लगा सकते कि गेम प्ले किस टाइप का होगा, एक्चुअल गेम की फिजिक्स एंड यहाँ पर गेम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर लाइफ लाइक स्टूडियो ने जो यहाँ पर रोग ईस्ट गेम बनाया था कुछ उसी तरह का यहाँ पर आप लोगों को मूवमेंट वगैरह देखने के लिए मिल सकती है इस गेम के अंदर भी, क्योंकि वो भी यहाँ पर गेम जो था वो एमपीएल के साथ कोलैबोरेशन में ही था एंड गेम के ग्राफिक्स तो वैसे भी सही रहने ही वाले हैं क्योंकि गेम बन रहा है अनरियल इंजन पे, जिसकी वजह से इसका साइज भी ज्यादा हो सकता है, अराउंड 1 GB के भी ऊपर जा सकता है अगर यहाँ पर जो है बैटल रॉयल मोड के साथ साथ और भी कुछ मोड्स हुए तो। मयाम स्टूडियो ने यहाँ पर अपने गेम के दोनों मेन कैरेक्टर को यहाँ पर टीज करा है। सो वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका गेम प्ले जो है वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग में नहीं होगा, बाकी तो जब यहाँ पर गेम लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। सो अब बात कर लेते हैं कि फाइनली गेम लॉन्च कब तक होगा। सो अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि इस गेम के जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं 22 मई से एंड अगर कोई गेम यहाँ पर प्ले स्टोर पे आता है एंड उसका प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो उस गेम को अगले 3 महीने तक यहाँ पर जो है वो लॉन्च करना होता है, नहीं तो उस गेम का जो पेज है वो प्ले स्टोर से हट जाता है। सो इसके लिए यहाँ पर जो गेम है वो आप लोगों को अगस्त तक देखने के लिए मिलेगा, मे बी आप लोगों को जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में ही इसका जो अर्ली एक्सेस है वो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो फुल गेम है एंड वो आप लोगों को मिलेगा एंड ऑफ दिस ईयर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर खुद यहाँ पर मयाम स्टूडियो के सीईओ ने कहा है कि ये गेम जो है लेटर ऑफ दिस ईयर आने वाला है। सो जुलाई लास्ट या अगस्त तक आप लोग को इसका कुछ अर्ली एक्सेस या क्लोज बीटा वगैरह देखने के लिए मिलेगा एंड उसके बाद फुल गेम जो है इसके बाद ही आएगा एंड अभी बहुत ही जल्दी कुछ और भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है सो उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी भी कुछ यहाँ पर जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत ही तगड़ी होने वाली है मयाम स्टूडियो की तरफ से। सो जैसे ही यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोग को उसके रिगार्डिंग अपडेट कर दूंगा। सो उसके लिए आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में।